हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम लोग ने चालू की थी एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज जो कि आपके एग्जाम के लिए होगी बहुत बेनिफिशियल, दैट इज CBSE एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज फॉर बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है, दीज आर सुपर सुपर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने खुद देखा होगा जो हमारा सैम्पल पेपर CBSE ने रिलीज किया है, दैट कंप्राइजेस ऑफ 45-50% of the paper which is case study based questions, and मतलब कि आधे से ज्यादा जो paper है आपका case study based questions से ही आएगा। Okay students, so आज है हमारा chapter number 1 की case study number 6 का दिन, एंड आज हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी नंबर 6। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल फॉर CBSE बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी नंबर 6 एंड देखते हैं कि कहानी किस बारे में है। सो अशिता एंड लक्षिता आर एम्प्लॉयज वर्किंग इन डैजलिंग एंटरप्राइजेस डीलिंग इन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सो अक्षिता और लक्षिता दो एम्प्लॉयज हैं, डैजलिंग एंटरप्राइजेस में वो काम करते हैं, और उनका जो काम है वो किसका है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का। ठीक है, द फॉर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर फॉर 1000 ब्रेसलेट्स दैट वर टू बी डिलीवर्ड विद इन 4 डेज। अब डैजलिंग एंटरप्राइजेस को 1000 ब्रेसलेट का ऑर्डर आया, और ये जो ब्रेसलेट का ऑर्डर है, इनको 4 दिन में कंप्लीट करना था। दे वर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 ब्रेसलेट्स ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर ब्रेसलेट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उनको कितना बनाना है, प्रोड्यूसिंग 500 ब्रेसलेट ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर ब्रेसलेट। अब आप बोलोगे मैम ऑर्डर तो बड़ा था। अब देखिए क्या बोला है, द फर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर फॉर 1000 ब्रेसलेट। 1000 ब्रेसलेट का ऑर्डर आया जो कि 4 दिन में बनाने हैं। ठीक है, अब दे वर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 ब्रेसलेट्स ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर ब्रेसलेट। यहाँ पे आपको ब्रेसलेट की कॉस्ट दी गई है। ठीक है, अब 500 जो लिखा है वो कैसे लिखा है, अक्षिता को 500 बनाने हैं एंड लक्षिता को भी 500 बनाने हैं। अब बात समझ आ गई, ईच लिखा है ना, दे वर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 ब्रेसलेट्स ईच। ठीक है, तो दोनों को 500-500 बनाने हैं और ये ऑर्डर कंप्लीट करना है, और जो ब्रेसलेट की कॉस्ट है ना स्टूडेंट्स, वो 100 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, अब अशिता वॉज एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ 55,000। मतलब कि अशिता को जो 500 ब्रेसलेट बनाने के लिए दिए, उसने बना तो दिए 4 दिन में, ठीक है, पर इसकी जो कॉस्ट आई वो आई 55,000 रुपये। अब बाय ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इसको कितने मिलने चाहिए थे, एक ब्रेसलेट के 100 रुपए, तो कॉस्ट आनी चाहिए थी 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए थी, तो इसकी 5,000 ज्यादा आई है। मतलब ये एफिशिएंट तो है, सॉरी ये इफेक्टिव तो है, बट ये एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिवनेस क्या होती है स्टूडेंट्स, की काम टाइम पे कंप्लीट हुआ, तो अशिता ने काम तो टाइम पे कंप्लीट किया है बट कॉस्ट ज्यादा लग गई। एफिशिएंसी क्या होती है कि कॉस्ट कम लगे। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम में अच्छी से अच्छी ऑप्टिमम यूज करके रिसोर्सेज का अच्छी से अच्छी क्वालिटी डिलीवर करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा आ गई, मतलब अशिता एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ वेयर एज लक्षिता वॉज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450 यूनिट्स। लक्षिता ने 50 यूनिट कम बनाए। ठीक है, मतलब कि ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसने काम कंप्लीट नहीं किया एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर यूनिट, पर ये एफिशिएंट है। ठीक है, नाउ क्योंकि इसकी कॉस्ट 100 रुपए से कमा रही है, जो कि सही बात है। ठीक है, सो स्टेट वेदर अशिता एंड लक्षिता एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो आपको पता ही है कि अशिता जो है उसने काम कंप्लीट कर लिया था, मतलब वो इफेक्टिव है, पर वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ गई। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखें तो लक्षिता है वो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं, क्योंकि उसने काम कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग कम आई थी। अब आंसर आपको पता है, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर।
So Ashita is effective but not efficient because she was able to produce the required number 500 bracelets within the stipulated time of 4 days but at a higher cost. अब cost कैसे निकालेंगे कि 55,000 रुपए उसकी cost आई, बनाने कितने थे उसको 500 bracelet बनाने थे, तो cost कितनी आएगी 110 रुपए. ठीक है, 110 रुपए कॉस्ट आएगी. ठीक है, जो कि ज्यादा है 100 रुपए से, 10 रुपए ज्यादा है. ठीक है, नाउ लक्षिता एफिशिएंट है पर इफेक्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि 90 रुपीस 100 रुपए से कम आया और इफेक्टिव क्योंकि 450 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाई, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, सो दो शी वॉज एबल टू अचीव अ लोअर कॉस्ट ऑफ 90 पर यूनिट बट कुड नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर दैट इज 500 ब्रेसलेट, शी वॉज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450 यूनिट्स. इस तरीके से आपको आंसर को लिखना पड़ेगा. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो इसकी आंसर फ्रेमिंग देख लीजिए कैसे लिखी हुई है. कैलकुलेशन शो की है, स्टार्ट किया है जिस तरीके से, एकदम ही फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है ताकि एग्जामिनर एकदम क्लियर हो जाए, यस स्टूडेंट को पता है वॉट इज इफेक्ट and what is efficiency. ठीक है students, अब I hope कि आपको ये question clear हुआ. मिलते हैं next case study में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस video को like करना है, channel को subscribe करना है, अपने friends के साथ share करना है और उन्हें बताना है कि Magnet Brains provide करता है high quality education वो भी 100% free from kindergarten to class 12 for CBSE board on this channel and हमारा एक और channel है Magnet Brains Hindi Medium जहां हम आपको तैयारी करवाते हैं for Delhi board, UP board, Bihar board, MP board and Rajasthan board, all these state board from class 6 to class 12 on a separate channel of ours. Okay, so दोनों channel के बारे में आप अपने friends को जरूर बताना. हम आपको e-notes, e-books भी provide करते हैं, Vedic Maths, Spoken English, Crash Courses, सब कुछ, सारे courses provide करते हैं. हमारी application and website पर आपको मिल जाएंगे fully organized complete courses along with daily practice problems. YouTube channel पर आपको सारे videos systematically मिल जाएंगे absolutely free of cost. Recently we hit 12.3 million subscribers. So yes, channel grow हो रहा है आप के सपोर्ट की वजह से. तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब को आपको फॉलो करना है एंड मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में स्टूडेंट्स. आई होप आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा. थैंक यू सो मच.